महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कोल्हापुर जिले के ईचल रंजी में रैली के दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को धोखा दिया। वह पहले के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से माफी मांगते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कोल्हापुर जिले के ईचल रंजी में रैली के दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को धोखा दिया। वह पहले के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से माफी मांगते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कोल्हापुर जिले के ईचल रंजी में रैली के दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को धोखा दिया। वह पहले के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से माफी मांगते हैं।